डाटा टाइप। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप किसे कहते हैं। ये जावा का काफ़ी इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। कैसे और क्यों, इसी पे हम लोग आज करेंगे डिस्कशन। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। डेटा टाइप का मतलब क्या होता है पहले इसे समझते हैं, उसके बाद उसका ज़रूरत क्या है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, राइट। देखें, हमें जावा में प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, और वो है एक मेमोरी। मेमोरी का इन द सेंस क्या होता है, एक ऐसा ब्लैंक कंटेनर जिसमें हम लोग अपने एंटर किए हुए डेटा या वैल्यू को स्टोर कर सकें। या आम शब्दों में यूँ कहे कि आप घरों में देखे होंगे कि आपकी माँ या फिर आपके दोस्त या आप खुद या आपके पापा कोई भी कुछ सामान को, कुछ भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को रखने के लिए, कंटेन करने के लिए, क्यों कंटेनर में रखता है उसे, है ना। आप ही अपने घर में इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खोजते होंगे, पेंसिल, रबर, स्केच पेन, जो भी होता है उसमें हम रखने के लिए। यानी कि हमारे पास ऐसा कुछ होना चाहिए जिसमें हम लोग अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करके रख सकें। इन द सेम वे जावा में क्या होता है, हमें एक वेरिएबल चाहिए होता है, यानी कि एक कंटेनर चाहिए होता है, एक खाली जगह चाहिए होता है, एक कंटेनर चाहिए होता है जिसके अंदर में हम जो भी एंटर कर रहे हैं डेटा, डेटा मतलब जो भी आप कीबोर्ड में टाइप कर रहे हो वो आपके लिए डेटा है, वैल्यू है, वो आपका कहीं ना कहीं जाकर के स्टोर होना चाहिए। तो वो जिस जगह जाकर स्टोर होता है तो उसी मेमोरी को हम लोग कहते हैं वेरिएबल। और हम इस वेरिएबल को पहचानने के लिए, रिकग्नाइज करने के लिए, ताकि हम इसका यूज़ कर सकें अपने प्रोग्रामिंग के दौरान, हम इसे एक नाम रखते हैं। उस वेरिएबल का एक नाम रखा जाता है, उस नाम को हम कहते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर नाम से ही बड़ा क्लियर है कि जिसका यूज़ करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पहचान सकें उसे कहते हैं आइडेंटिफायर। तो किसी भी टर्म को अगर हम नाम रखते हैं जावा में तो उस नाम को हम कहते हैं आइडेंटिफायर। जैसे कि क्लास का नाम, तो ये भी एक आइडेंटिफायर है। वेरिएबल का नाम, ये भी एक आइडेंटिफायर है। ऑब्जेक्ट का नाम, ये भी एक आइडेंटिफायर है। तो हमारे पास जितने भी टर्म्स हैं जावा में, उन सब का एक नाम होता है, रखना पड़ता है, हमें खुद नाम रखते हैं वो, और उसी नाम रखने को हम लोग कहते हैं आइडेंटिफायर, या उस नाम को कहते हैं आइडेंटिफायर। तो इस वेरिएबल यानी कि इस मेमोरी में डेटा को स्टोर किया जाता है, और उस वेरिएबल यानी कि उस मेमोरी का एक पर्टिकुलर नाम रखा जाता है, और उस नाम को हम लोग कहते हैं आइडेंटिफायर, राइट। ओके, अब एक बात देखो, हमारे पास डेटा तो बहुत तरह का होता होगा। यानी कि आप सपोज़ कर लीजिए, एज अ यूज़र, आप एक यूज़र हो, आप उस लिखी हुई प्रोग्राम को यूज़ करने का कैपेबिलिटी रखते हो, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप उस प्रोग्राम को यूज़ कर सको, आप समझो उस चीज़ों को कि क्या लिखा हुआ है, और आपको इंटर करना है दो नंबर, तो आप दो नंबर इंटर करते हो, मान लीजिए 2 और 4, दो नंबर इंटर कर रहे हो, और दोनों को सम निकालना है, तो अंदर ही अंदर दोनों का सम होगा और आपको रिजल्ट 6 प्रिंट कर देगा। तो इस केस में आपको ये 2 और ये 4 करना पड़ रहा है एंटर। तो ये दोनों ही जब एंटर कर दोगे आप, तो जावा में जा करके, यानी जावा के लैंग्वेज में जा करके, कहीं ना कहीं ये मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। बात समझ में आया। अब इन दोनों ही नंबर को जिस मेमोरी में स्टोर किए हैं उस मेमोरी का एक पर्टिकुलर नाम रखते हैं, ए बी। और प्रोसेसिंग करने के लिए क्या किया जाता है, इन दोनों को सम किया जाता है, सम यानी कि ए प्लस बी। अब सम करने के बाद जो भी डेटा आएगा, जैसे कि डेटा आ रहा है 6, तो ये 6 भी तो एक डेटा है, इसे भी तो स्टोर करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, इसीलिए इक्वल टू s, यानी कि s भी एक वेरिएबल हो गया, जिसके अंदर में क्या आएगा, 4 प्लस 2 6 आएगा। यानी कि यहाँ पर s एक वेरिएबल है, a एक वेरिएबल है, b एक वेरिएबल है। a और b में हमने वैल्यू स्टोर किया, और एस में स्टोर नहीं किया, एस में अपने आप स्टोर हुआ। क्यों? क्योंकि एस में इन दोनों का सम ऑटोमेटिकली स्टोर हो रहा है। अब एक बात देखें, हम कभी कभी कुछ और डेटा भी डालते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि 1.2 डाल दिए और एक वेरिएबल, एक वैल्यू डाल दिए 6.792। ये दो ही डेटा है, दोनों वैल्यू है। अब इन दोनों वैल्यू को देखें और पिछला वाला वैल्यू देखें तो आपको एक डिफरेंस मिलेगा। पिछला वाला वैल्यू जो है ये एक होल नंबर है, यानी कि इसमें कोई डेसिमल पार्ट नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरा वाला नंबर का बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो आप डेसिमल पॉइंट है। दैट मीन्स दोनों ही नंबर का टाइप अलग अलग है।
और देखते हैं हम, देख लीजिए, मान लीजिए हम करते हैं ऐसा 4.296259929929, इस तरह से एक नंबर है, काफ़ी लेंदी नंबर है, ये भी तो एक डेटा है। अब क्या सारे तरह के डेटा एक ही मेमोरी में स्टोर हो सकता है? अगर आप घरों में देखें तो क्या जिसमें तेल रखा जाता है उसी में क्या आटा भी रखा जाता है, उसी में क्या चावल भी रखा जाता है, उसी में क्या बाकी खाने के सामान भी रखे जाते हैं उसी कंटेनर में? तो आप बोलोगे सर नहीं, सारे कंटेनर को रखने के लिए अलग अलग टाइप का बॉक्स होता है, अलग अलग टाइप का कंटेनर होता है जिसमें हम सामान को रखते हैं। उसी तरीके से जावा में भी अलग अलग डेटा का टाइप है, यानी कि अलग अलग तरह के हमारे पास डेटा हैं। ये डेसिमल वाला डेटा है, ये लंबा डेसिमल वाला डेटा है, ये आपका नंबर वाला डेटा है। तो अब ऐसे कंडीशन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको कोई ऐसा नंबर डालना पड़ता है, सपोज़ कर लेते हैं कि आपको एक डेटा डालना पड़ा जो कि कोई डेटा ऐसा है कि ए है, ए इज़ ऑल्सो अ डेटा, या फिर आपने बी इंटर किया, बी इज़ ऑल्सो अ डेटा। तो यहाँ पर देखिए ये सब तो नंबर है लेकिन ये दोनों क्या है, ये दोनों इंग्लिश के लेटर हैं, यानी कैरेक्टर्स हैं ये। वैसे ही कभी कभार हमें ऐसा भी दिखने के लिए मिलता है अमित कुमार, तो ये अमित कुमार क्या है, ये तो एक वर्ड नहीं है या एक लेटर नहीं है, ये मल्टीपल वर्ड्स हैं, ये मल्टीपल लेटर्स हैं। तो यहाँ पर ये भी एक तरह का डेटा हो गया, 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 और ये भी एक तरह का डेटा हो गया। तो इतने तरह के डेटा को क्या हम एक ही वेरिएबल क्रिएट करके स्टोर कर सकते हैं क्या? तो आपका उत्तर होगा सर नहीं, हर एक अलग अलग डेटा को स्टोर करने के लिए अलग अलग टाइप का मेमोरी होना चाहिए। बिल्कुल मैं यही बात कर रहा हूँ आपसे कि हमारे पास जितने तरह का डेटा स्टोर हैं हमारे पास अवेलेबल, जितने तरह का वैल्यू हम चाहते हैं स्टोर करना, तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए। यह तो पहला रिक्वायरमेंट है। दूसरा क्या रिक्वायरमेंट है कि जिस टाइप का वैल्यू स्टोर करना है हमें वो वेरिएबल का टाइप भी वही रखना पड़ेगा। मतलब सपोज कर लेता हूं मैं कि आप एक वेरिएबल है ए जिसके अंदर में 4.96 एंटर करना चाहते हैं। क्या एंटर करना चाहते हैं? 4.96। तो ये जो वेरिएबल ए है इसका टाइप क्या होना चाहिए? डेसिमल होना चाहिए। एक वेरिएबल है बी जिसके अंदर में आप 4312 एक नंबर एंटर कर रहे हो, तो इस हिसाब से बी का जो टाइप होना चाहिए वो नंबर टाइप होना चाहिए। मान लेते हैं आपने पी नाम का वेरिएबल के अंदर में एक स्टार आप डाल रहे हो, तो इसका तो अलग टाइप होना चाहिए। या फिर आप इसके अंदर में पी नाम वेरिएबल के अंदर में आप डाल रहे हो क्यू डाल रहे हो, तो क्यू भी एक तरह का डेटा है। तो आप बताइए इन तीनों जगहों पर आपको तीनों वेरिएबल का डेटा तो डिफरेंट लग रहा है ना, तो जावा को तो नहीं मालूम कि आप क्या एंटर कर रहे हो, जावा नहीं पहचान पाता है। आपको उस मशीन को बताना पड़ता है कि हम जो डेटा डाल रहे हैं वो किस टाइप का है। तो इसके लिए आपको सब क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि किस तरह के डेटा हमारे पास प्रेजेंट है, यानी कि डेटा प्रेजेंट है इन द सेंस कि कितने तरह का डेटा टाइप प्रेजेंट है। तो उसके पहले भी एक बात जान लेते हैं कि डेटा टाइप होता क्या है, डेटा टाइप होता क्या है वो पहले जान लो। तो डेटा टाइप बेसिकली रेफर्स टू एज द टाइप ऑफ डेटा एंड मेमोरी कैन होल्ड, मतलब ये तो एक तरह का डेटा है, ये एक तरह का टाइप है डेटा का, मतलब आप किस तरह का डेटा डाल रहे हो वेरिएबल के अंदर में, है ना। वेन एवर वी नीड टू स्टोर अ वैल्यू, जब भी हमें किसी वैल्यू को स्टोर करने का जरूरत पड़ता है, द रिस्पेक्टिव डेटा टाइप मस्ट बी मैंसन सो दैट द सिस्टम में स्ट्रक्ट द मेमोरी लोकेशन फॉर द प्रॉपर स्टोरेज। तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि आप कोई भी वैल्यू आप इंटर करिए तो उसके लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए होगा, और वेरिएबल का पर्टिकुलर डेटा टाइप होना चाहिए, यानी कि आप उस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, डेटा टाइप बेसिकली रेफर्स टू एज द टाइप ऑफ डेटा और मेमोरी कैन होल्ड, कोई मेमोरी किस टाइप का डेटा होल्ड कर सकता है यही बताता है डेटा टाइप किसी वेरिएबल का, यानी कि किसी वेरिएबल में किस तरह का वैल्यू स्टोर होगा। ये बात की जानकारी जावा को कौन देता है, ये बात की जानकारी जावा को देता है डेटा टाइप।
So whenever we need to store the value, the respective data type must be mentioned so that the system may instruct the memory location for this proper storage. तो इसीलिए जब कभी भी हम जावा में प्रोग्राम करने जाएंगे तो वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर होना चाहिए ताकि जावा समझ सके कि आप किस तरह का डेटा एंटर करने वाले हो. ठीक है, डेटा टाइप बेसिकली दो तरह के हैं. पहला है प्रिमिटिव, दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है कि वैसे डेटा टाइप जो फंडामेंटल है, जो बेसिक है, है ना, जिसको डिपेंड नहीं होना पड़ता किसी और के ऊपर, दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर्स, राइट. तो जो बेसिक और फंडामेंटल डेटा टाइप्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप. दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. द फर्स्ट वन इज इंटीजर, सॉरी, द फर्स्ट वन इज न्यूमेरिक एंड द सेकेंड वन इज द नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप. तो प्रिमिटिव में दो तरह का डेटा टाइप आ रहा है. और प्रिमिटिव क्या है, ये एक बेस डेटा टाइप है, एकदम फंडामेंटल डेटा टाइप है जिसका दो टाइप है, फर्दर न्यूमेरिक डेटा टाइप एंड नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप. तो न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या होता है और नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, मैं आपको आज ये बेसिक समझा दिया हूँ कि डेटा टाइप होता क्या है और इसका क्या नीड है हमारे किसी भी प्रोग्रामिंग में. तो बाकी का जो टॉपिक्स डिस्कस करने लायक बचा हुआ है मैं डेफिनेटली अगले वीडियो में उसको डिस्कस करूँगा. और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है. और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काफ़ी अच्छा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर करें. अगर आप इस चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली आप अपना हथौड़ा मार दीजिए उस सब्सक्राइब नाम के बटन पे, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर करें ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके. और नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली आपसे मुलाकात फिर से होगी. तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय.